ड्रीम हाउसिंग स्कीम में लाकानूनियत, एक और फ्रॉड। अब्दुल जबार नामी शख्स की जमीन भी स्कीम में शामिल कर ली गई। जमीन के मालिक की हाईकोर्ट में दरखास्त। एमपीए नजीर चौहान पर नवाजशात के हवाले से अदालती हुक्म आ गया। अदालत आलिया का अराजी का फैसला 40 से 50 सिरों में करने का हुक्म। हाईकोर्ट का हुक्म 4 अक्टूबर को जारी किया गया। स्कीम की मंजूरी का अमल अभी एलडीए में जेरे गौर है। एफबीआर ने शहबाज शरीफ के तमाम असासों की तफसीलात नैब के हवाले कर दी। 1997 से 2018 तक तमाम अकाउंट्स का रिकॉर्ड नैब के सपुर्द। शहबाज शरीफ की जाहिर करदा जायदाद, अकाउंट्स और जेरे इस्तेमाल गाड़ियों का रिकॉर्ड भी शामिल। सफाई कंपनी स्कैंडल, पंजाब हुकूमत इन एक्शन। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी स्कैंडल की तहकीकात का हुक्म। कंपनी का स्पेशल ऑडिट कराया जाएगा। वजीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान। एलडब्ल्यूएमसी में अरबों की खुर्द बुर्द की शफाफ तहकीकात करवाई जाए। पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। एक माह और दो रोज बाद पंजाब पुलिस का कमांडर तब्दील। अमजद जावेद सलीमी नए आईजी पंजाब तैनात। आईजी मोहम्मद ताहिर को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत, नोटिफिकेशन जारी। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान। डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक डॉलर 124 रुपए से 136 रुपए का हो गया। एक रोज में डॉलर 12 रुपए महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर की खरीदो फरोख्त बंद। गैर यकीनी सूरत हाल, मईशत डोलने लगी। हुकूमत का आईएमएफ के पास जाने का फैसला। जर मुबादला के जखायर 14 अरब 89 करोड़ रह गए। सितंबर में तजारती खसारा 5 अरब 86 करोड़ रुपए रहा। बैरून कर्जों के हजम में 900 अरब रुपए का इजाफा। रुपए की बेकदरी पर ताजिर बरादरी ने सर पकड़ लिए। डॉलर महंगा होने से महंगाई का जिन बेकाबू। आटा, दालों और सब्जियों के बाद ब्रॉयलर भी महंगा। मुर्गी के गोश्त में 2 रोज में 19 रुपए का इजाफा। बाजार में मुर्गी का गोश्त 213 रुपए किलो हो गया। सेशन कोर्ट में भरपूर फाइट। मुदई और मुलजिम पार्टी आपस में गुत्थम गुत्था। एक दूसरे पर लातों और मुक्कों की बारिश। अहाता अदालत मैदान जंग बन गया। पुलिस ने दोनों फरीकैन को हिरासत में ले लिया। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत सूबाई वजरा का मुशावरती इजलास। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि पंजाब में मरबूत बुनियादों पर नया बल्दियाती निजाम मुतारिफ करवाएंगे। नून लीग का पंजाब असेंबली का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा मुस्तरद। इजलास 16 अक्टूबर को ही होगा। फयाजुल हसन चौहान। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग ने इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। नून लीग हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेगी या इदारों के खिलाफ। शहबाज शरीफ पर तमाम केसेस उनके अपने शुरू किए मंसूबों के हैं। आईएमएफ के पास जाने का फैसला किया है, लेकिन आम आदमी का ख्याल है। सूबाई वजीर सनत व तिजारत मियां असलम इकबाल की गुफ्तगू। दार अरकम स्कूल क्रिकेट लीग के ट्रायल्स। सूबाई वजीर इतलात फयाजुल हसन चौहान और क्रिकेटर मोहम्मद इरफान की भी शिरकत। सफाई के नाकिस इंतजामात, मुख्तलिफ इदारों के 5 कैफेटेरियाज सील। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 128 कैफेटेरियाज को चेक किया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। सूबाई वजीर की केमिस्ट के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मुतालबात पर गौर के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। यास्मीन राशिद का कहना है कि जाली अद्वियात की फरोख्त और तैयारी का भी कला कमा करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद से डेनमार्क के सफीर की भी मुलाकात। और निश्तर पार्क जिमनेजियम में बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी। स्पोर्ट्स बोर्ड के जेर एहतमाम मुकाबलों में खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत।